लड़खड़ाती सरकार, लड़खड़ाता बजट। लड़खड़ा रही थी सरकार, बचाया आंध्रा ने, चंद्रबाबू नायडू ने और बिहार ने। सीएम योगी पर सिब्बल कवार। वो योगी जी तो बड़े नाराज होंगे, उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि योगी हार गए इसलिए उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। बजट 2024 पर सिब्बल के तंज। सालों से बात कर रहा हूं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारा रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज ये बात मान गए, लेकिन 10 साल के बाद मान गए। अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी दी थी उसको इन्होंने लागू कर दिया। इनको सरकार चलानी आती ही नहीं, अगर चलानी नहीं आती, 10 साल आप यहां सरकार में रह के आपकी जनता के साथ आप कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप बैठे क्यों, किसी और को चलाने दो। लड़खड़ाती सरकार और लड़खड़ाता बजट, यही इस बजट की कहानी है। लड़खड़ा रही थी सरकार, बचाया आंध्रा ने, चंद्रबाबू नायडू ने और बिहार ने, और बजट का फायदा भी उन्हीं दो स्टेट्स को हुआ। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हर एक स्टेट जहां जरूरत हो, जरूरतमंद हो, वहां सहायता होनी चाहिए। लेकिन एक और बात आप सोचिए कि जहां जहां ये लोग हारे, वो योगी जी तो बड़े नाराज होंगे, उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि योगी हार गए इसलिए उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया, और जहां जहां अभी चुनाव होने वाले हैं वहां भी कुछ नहीं मिला। अब हरियाणा में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। झारखंड में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। क्या इनको कोई दुश्मनी है महाराष्ट्र से? इनकी तो अपनी सरकार है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे, स्पेशल पैकेज तो इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि इनके पास साधन ही नहीं है। और जो 26 लाख करोड़ की ये बात करते हैं, वो तो 5 साल में दिया जाएगा, और उसमें कितनी और स्कीम्स ऑलरेडी उसमें शामिल हैं ये तो बाद में पता चलेगा। और जहां मतलब के रोज के रोज पुल गिर रहे हैं, पहले वो पुल तो कायम करें। और आंध्र प्रदेश में आपको मालूम है, मिला तो केवल 15 लाख करोड़ ही आंध्र प्रदेश को, ज्यादा नहीं मिला इस समय। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरासर पहली बार मैंने सुना कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी बजट की शुरुआत स्टेट से कर रहे हैं। मतलब कि बात ऐसी हो रही है कि बजट एक पॉलिटिकल खेल है, एक पॉलिटिकल मैदान है, ये एक हिंदुस्तान की आर्थिक भविष्य के बारे में है, उसके बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो जो उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ के ये नहीं करते। क्या उन्होंने किया? और साथ साथ में उन्होंने ये भी मान लिया, क्योंकि अब ये अच्छे दिन की बात नहीं करते। 10 साल हो गए, इनको मालूम है कि 10 साल के बाद तो अच्छे दिन आए नहीं, अब उस बात को दोहराना क्या है। ये मान गए कि जब किसान हैं उनके लिए उनको राहत चाहिए, ये मान चुके हैं, अदरवाइज वो ऐसी स्कीम नहीं लाते। और साथ साथ में ये भी मान गए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मैं कितने सालों से बात कर रहा हूं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारा रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज ये बात मान गए, लेकिन 10 साल के बाद माने। मैं समझता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक सरकार जो 10 साल में दिल्ली बैठी है, 10 साल में भी उन्होंने जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसका कुछ नहीं कर पाए। पिछले 10 साल में इनको मालूम है कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की बदतर से बदतर हो रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, और इसलिए ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिले, इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये राहत देते हैं, पैसा देते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को कहते हैं आपके घर में, आपके अकाउंट में इतना पैसा पहुंच जाएगा, इतना पैसा पहुंच जाएगा। अरे उनको पैसे की जरूरत क्या जरूरत है अगर वो अपने पैरों पर खड़े हो सके?
सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि हर नागरिक को अपने पैरों पे खड़े होने की अहमियत होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट तभी होगा जब उनको आप साधन दोगे। तो मान गए ये किसान को हमने कुछ नहीं कर पाए हमारे किसान के लिए, 10 साल हो गए। साथ में ये भी मान लिए कि बेरोजगारी हम उसको खत्म नहीं कर पाए। पहले तो मानते नहीं थे, कह रहे थे जो हमने कई करोड़ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आज मान गए। अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी दी थी उसको इन्होंने लागू कर दिया, जो भी सुझाव दिया था वो लागू कर दिया। प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम वो भी लागू कर रहे हैं। मतलब कि इनको सरकार चलानी आती ही नहीं। अगर चलानी नहीं आती, 10 साल आप यहां सरकार में रह के आपकी जनता के साथ आप कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप बैठे क्यों हो? किसी और को चलाने दो, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन चला सकता है सरकार और कौन नहीं चलाता। ये जनता को भी मालूम हो गया कि ये सरकार नहीं चला सकती। और ये हारने वाले हैं पिछले अगले 3 प्रदेशों में, झारखंड में भी हारेंगे, महाराष्ट्र में भी हारेंगे और हरियाणा में भी हारेंगे। और किसानों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। आपको याद होगा ये कहते थे कि कॉस्ट प्लस 2 कहते थे ना, क्या हुआ आज के दिन वो भी नहीं कर पाए। ये कहते थे 2 करोड़ जॉब हम हर साल क्रिएट करते हैं, आज मान गए। और आज भी कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब हम अब क्रिएट करेंगे, पिछले 10 साल में अब क्या कर रहे थे? इनका दृष्टिकोण केवल एक है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसमें से अपने लोग पैसा बनाए, इनके अपने लोग पैसा बनाए। जो कैपिटल गेन्स है उस पर थोड़ा सा स्तर टैक्स का बढ़ा दिया, 10 से 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी थोड़ा बढ़ा दिया, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो टैक्स देता हूं मैं तो लगभग 33% 30% से ज्यादा देता हूं अपनी अब कमाकर। और जो स्टॉक मार्केट जो इनके लोग बचे हुए हैं वो अपना पैसा करोड़ों रुपया बनाते हैं और उनको क्या टैक्स दिया पड़ जाता है? 12.5%। तो क्या फायदा हुआ? फायदा तो आज भी उनको हो रहा है। ये कॉरपोरेट सेक्टर की इनकी राहत, कितनी राहत देते थे रोज के रोज, कभी 25% टैक्स, कभी 20% टैक्स, न्यूली सेटअप इकोनॉमिक जोन में 15% देते थे ना, 15% राहत। आज ये मान गए कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए था नहीं हुआ, वही कॉरपोरेट सेक्टर टैक्स की राहत लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, आज ये बात मान गए को वे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने आप ये कहा है कि किसी तरीके से हम कहेंगे कि जो ईपीएफओ है उसमें जो भी कोई रजिस्टर करेगा उसके पहले महीने की सैलरी हम देंगे, और उसके बाद जो ये समझते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर फिर उनको उसके बाद 3-4 महीने आफ्टर स्किल डेवलपमेंट करके उनको रख लेगा। क्यों रखेगा कॉरपोरेट सेक्टर? किस लिए रखेगा कॉरपोरेट सेक्टर? कॉरपोरेट सेक्टर तो उसी को रखेगा जो ऑलरेडी स्किल्ड है। तो इनका कोई दृष्टिकोण है ही नहीं इस बजट में, ना ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बजट है, ना ये पूरी तरह से हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में कोई बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं, वित्त मंत्री को मालूम ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं। इनको ये मालूम है कि किस तरीके से पीएमएलए का इस्तेमाल करो, लोगों को अंदर करो। और अब उन्हें जो इन्होंने क्रिमिनल लॉज लाए हैं ना, ये और दहशतगिरी फैलाएंगे, और ये इनके लिए इसमें ये एक्सपर्ट है। तो इनको देश चलाना नहीं आता, ये जनता समझ चुकी है, इसीलिए जो इनके परिणाम हुए हैं इलेक्शन में ये उसका दर्शा